खबर है कि इजरायली सेना ने शनिवार को बेरूत में हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला की मौत की पुष्टि की है। सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, हसन नसरल्ला अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएंगे। इसराइल का दावा है कि कई हवाई हमला सटीक और लक्षित रहा। इसमें बेरूत के दक्षिण में दाही इलाके में हिजबुल्ला के मुख्यालय में हो रही बैठक को निशाना बनाया गया। हसन नसरल्ला पिछले 30 साल से हिजबुल्ला का नेतृत्व कर रहे थे। शुक्रवार को हुए हवाई हमले में कम से कम 6 लोग मारे जा चुके हैं और 91 घायल हुए। ये पिछले एक साल में बेरूत पर सबसे बड़ा हमला है। इससे युद्ध के पूर्ण पैमाने पर पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। मलबे के नीचे से कई शवों को निकाला जा रहा है। मृतकों की संख्या में भी बढ़ोतरी की आशंका की जा रही है। हमलों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी अमेरिकी यात्रा को रद्द कर दिया है। इजरायल लौट आए हैं। कुछ घंटों पहले नेतन्याहू ने यूएन को संबोधित करते हुए हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायल के अभियान को जारी रखने का संकल्प लिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष विराम की उम्मीदें भी धूमिल हो रही हैं।